आप हमेशा डिप्रेशन के बारे में क्यों बात करते हैं? किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती? अगर हर इंसान आपकी तरह सोच के खुदकुशी करेगा तो आबादी कितनी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी? हाँ, नर की। हाँ, लग जाएगी आपको। बड़े पहलवान जो ठहरे। अच्छा, मस्ती बंद। आज के बाद मरने वरने की बातें सब बंद। मरने के बाद की जिंदगी किसने देखी है बंटी? अच्छा, अगर ऊपर भी टेंशन मिली तो इससे अच्छा जो कुछ करना यही कर लो। मस्ती, मौज, धमाल, जो भी है। तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान है। प्यार में सब कुछ आसान होता है। क्या क्या कहा तुमने? जो आपने सुना मैं कुछ समझी नहीं। मुझे जाना चाहिए। भाग रही हो? क्या भागती क्यों? हालात का सामना करो। बी ब्रेव मुन्नी, कम ऑन, फेस द प्रॉब्लम। क्या मतलब? तुम लड़कियां भी ना बड़ी चलाक होती, जानती सब हो, लेकिन हमसे सुनना चाहती। कोई बात नहीं, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, बी एम इंग्लिश हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ, प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। और मुन्नी 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 आई लव यू मुन्नी। गिर गया देखो मुन्नी, मैं मेरी बात सुनो, सच्चाई को तुम ठुकरा नहीं सकती, तुम्हें जवाब देना होगा। मैं बाद में बताऊंगी, बाद में। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, उस हादसे की वजह से वो बेहोश हो गई है, बाकी सब ठीक है। वैसे आप सबका उनसे रिश्ता क्या है? वो हमारे नाटक की हीरोइन है। मैंने शायद तुम्हें पहले कहीं देखा है। नहीं, हाँ। तुम वही हो ना, उस रात तुम दोनों ने झगड़ा किया और उसने मेरी कार के आगे छलांग लगा दी। हाँ, हाँ। ये किस रात को? तू तो बोल रहा था कि तेरे मामा के खास दोस्त की बेटी। उस लड़की को आत्महत्या करने की आदत है क्या? हाँ, उसने मुझे बोला था कि वो आग में कूद कर जान दे देगी। मुझे भी कहा था कि तालाब में कूद के जान दे देगी। हाँ, तेरे को बोला। और अब कार के सामने छलांग लगा दी। लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरा अंदाजा सही निकला, वो पागल है ना? ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये भी एक किस्म का पागलपन ही है। इसमें आदमी के सिर पर मरने की जिद सवार रहती है और हमारी भाषा में इसे सुसाइडल टेंडेंसी कहते हैं। आई थिंक शी नीड्स अ साइकेट्रिक हेल्प। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप इधर आइए ना, प्लीज प्लीज। एक मिनट, जल्दी चलिए। देख रहे सेठ जी, डॉक्टर को साइड में लेके जा रहा है। ये साइड में ले जा रहा है क्या मतलब? तब मैंने उससे कहा कि हमारे नाटक की हीरोइन बन जाओ, उसे चार पैसे भी मिल जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बस इतना ही जानता हूँ उसके बारे में और वो राजी भी हो गई करने के लिए। डॉक्टर, she's regaining consciousness. Okay, thanks. देखिए, उन्हें होश आ गया है। अगर आप अंदर जाकर उन्हें मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। कौन सी जगह है ये? मैं यहाँ कैसे आई? Relax, relax. ये सब लोग कौन हैं? Hey? You don't know them? You are working with them. लगता है इसको भी हमारी तरह अंग्रेजी नहीं आती। हमको नहीं पहचाना? तुम हमारे साथ काम करती हो नाटक में? आपके साथ? हाँ, मैं सेठ जी, डायरेक्टर। कौन सेठ जी? मेरा पति कहाँ है? पति? शादी कहाँ हुई तुम्हारी? अभी तक तो ट्राई कर रहे थे लोग तुम पे भांडों की तरह, और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुमको हम तुमको यहाँ लेकर आए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपको नहीं जानती, आप प्लीज मेरे पति को बुलाइए। कौन पति? कहाँ रहता है वो? विक्रम चौहान, लिवरपूल में रहता है। उनका नंबर 07964207008। क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू नहीं होगा तो क्या नींबू पानी होगा?
डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आपने मेरी खोई हुई पत्नी मुझे लौटा दी। मुझे पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। देखिए, शुक्रिया अदा करना तो इन लोगों का कीजिए जिन्होंने आपकी पत्नी की जान बचाई है। मैं आप लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया उससे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। 2 साल पहले मेरी निशा के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। फिर मैं इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसे सुसाइडल टेंडेंसीज हैं और इलाज के लिए उसे कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। फिर अचानक मुझे एक दिन डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल से गायब हो गई हैं। मैंने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई। ये रही उसकी मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस कंप्लेंट। आप लोगों की वजह से मेरी पत्नी बच गई। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों ने मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी मुझे लौटाई। अब आप इन्हें ले जाइए। वैसे तो ये ठीक हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद इन्हें चेकअप के लिए दोबारा ले आइएगा, क्योंकि ऐसे केस में ये दोबारा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, निशा के इलाज के लिए हम कुछ दिन लंदन में ही रुकेंगे अपने दोस्त के गेस्ट हाउस में। इसके ठीक होते ही हम वापस चले जाएंगे लिवरपूल अपने घर। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये है मेरा कार्ड। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी वजह से आप सबको बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया, ये मेरी बीमारी की वजह से हुआ। और हो सके तो उसे भूल जाइएगा प्लीज। क्या हुआ? क्या ये आदमी मेरा पति नहीं है, बंटी ही मेरा पति है। बंटी तुम्हारा पति है? तो शादी कब हुई? अब बंटी को बुलाइए ना, प्लीज बंटी को बुलाइए। बंटी, बंटी, उसका फोन है। किसका? लगता फिर से पागलपन का दौरा पड़ा। किसका? मुन्नी को। चल चल, फोन पे रो रही है। बंटी, बंटी तुम यहाँ आकर मुझे ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुन्नी, मुन्नी तुम क्या कह रही हो? तुम उसकी पत्नी हो मुन्नी। देखो यहाँ पेट्रोल का डिब्बा और माचिस पड़ा हुआ है, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को मार दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बंटी, अगर तुम आधे घंटे के अंदर नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं मर जाऊंगी। ये सब क्या है? इनका खाना। इनका खाना? अरे पहले इनका आज का गाना बजाना होने वाला है या नहीं ये तो तय हो जाना दो, बाद में खाना देना समझे, वरना जुर्माना कौन भरेगा तेरा बाप। इनका खाना है। सोइए मत, उठिए। वहां अपने हीरो ने बताई थी वो मस्त थी,
यहाँ आपने दूसरी हीरोइन बताई, वो भी मस्त थी, लेकिन वो तो हमेशा के लिए सो गई। अब जो हुआ सो हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये शो होना ही चाहिए, और अगर ये शो नहीं हुआ तो यहाँ की जेल में तुम सब लोग रोज शो करोगे। देखिए देखिए, हमने हल निकाला है, हम ये ड्रामा नहीं करते, हम दूसरा ड्रामा करेंगे जिसमें हीरोइन नहीं है। वो मैं कुछ नहीं जानता, कैसे भी करके ये शो होना ही चाहिए, समझे? शेर खान जी, इस बार आपको पुड़िया जरूर मिलेगी, एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। पिछली बार खुफिया पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया था। Yes, boss. इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। Yes, boss. क्योंकि डीलिंग के वक्त मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा नजर रखने के लिए। Yes, boss. और हम डीलिंग किसी सुमसान जगह नहीं, Yes, boss. पब्लिक प्लेस में करेंगे। Yes, boss. ताकि किसी को हम पर शक न हो। Yes, boss. अब लंदन में मोर के पंख कहाँ मिलेंगे यार? अब छोड़ो, तो मोर कहाँ दिखाई देगा, देखने दे मुझे। ओ माता जी, एक मिनट। मिल रहा है, अरे सस्ते में मिल रहा है भाई। चलिए चलिए, क्या हुआ? आना तू भी। क्या हुआ, क्या अभी हुआ, क्या अभी? मैंने उसको देखा, अभी अभी इसी पे जाते हैं। देखा किसको? देखा, एक्सक्यूज मी, अरे अरे तेरी आवाज क्यों पोपली हो गई भाई? तू आना यार। हां, अब हुआ क्या? अरे तू चुपचाप चल यार, तू चल। लेकिन देखा किसको? देखा किसको? अरे उसको कहीं यही देखा यार मैंने। इसको ड्रग वाले से डरा भाई। कहाँ गई? ऐसे कैसे गई? हेलो, किसकी बात? नमस्ते, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, मैंने वो लड़की को देखा सर। किसे? सर, वो लड़की जो मर के जलकर मर गई सर, वो कौन? निशा? यस सर, एग्जैक्टली। व्हाट नॉनसेंस, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद देखा सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने देखा सर। वो पागल लड़की जब से जल के मरी तब से ये लड़का भी पागल हो गया है, खुद बोलता है जल के मर गई और बाद में खुद बोलता है कि मैंने देखा है, कैसे देख सकता है ये? पागल है क्या? तुझे मैं सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। Yes, boss. इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। Yes, boss. एकदम चौकन्ने रहो। Yes, boss. उनके हाथ में लाल बैग होगा सामने वाली Yes, boss. सामने वाली पार्टी से मेरी बात हो चुकी है। Yes, boss. मैं यहाँ गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। Yes, boss. और इस बार डील होनी ही चाहिए। Yes, boss. Get lost. Yes, boss. Get lost. Yes, boss. देखो, मैं निशा को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने खुद उसकी डेड बॉडी देखी है। क्या हो गया तेरे को? अजीब बातें कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, किस तरफ जाते हुए देखा है? सर इस तरफ सर। उधर खुफिया पुलिस। पुलिस सर, उछल के देखिए। बॉस, खुफिया पुलिस कहाँ हो रहे? पुलिस कमिश्नर भी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा खोलो ना बॉस। बॉस कौन हो, कौन तुम लोग? मैं तुम लोगों को जानता ही नहीं हूँ, बेकार लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करता। कहाँ है वो? हाँ कहाँ, कहाँ है वो? सर कसम से बोल रहा हूँ, मैंने उस लड़की को देखा सर, यहीं कहीं आई है सर। ये तुम्हारा वहम, तुमने किसी और को देखा हो, और वैसे भी मरे हुए वापस नहीं आते। और हाँ सर, मैं तुम्हारे शो पर आ रहा हूँ। ठीक है सर।